आज हम EVS का चैप्टर 8 एयर इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एयर कवर्स द होल अर्थ, एयर ने पूरी पृथ्वी को कवर किया हुआ है। इट इज़ ऑल अराउंड अस, ये हमारे चारों ओर है। दिस इज़ ए लक्की थिंग, ये हमारे लिए बहुत भाग्यशाली बात है। देयर वुड बी नो लिविंग बींग्स, ठीक है ना, यानी कि कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह सकता ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर, विदाउट एयर, बिना हवा के। तो देखिए, व्हाट इज़ एयर, अब एयर क्या है। ठीक है, अब एयर के बारे में हम समझते हैं। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, यानी कि एयर जो है, हवा जो है, वो कई गैसों का मिश्रण है। ए लॉट ऑफ इट, अबाउट 4/5 इज नाइट्रोजन। ठीक है, मतलब बहुत सारी मात्रा में, यानी कि कम से कम 4/5 पार्ट इसमें नाइट्रोजन का है, जिसे हम कह सकते हैं कि 78% जो है पार्ट, वो नाइट्रोजन का हवा में शामिल होता है। देयर इज़ क्वाइट ए बिट, अबाउट 1/5 ऑफ ऑक्सीजन टू। ठीक है ना, यानी कि इसमें 1/5 पार्ट ऑक्सीजन का भी शामिल है, 21% ऑक्सीजन हवा में शामिल रहती है। देन देयर इज़ ए बिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, और जो बाकी जो बचते हैं 1% के आसपास जो बचेगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस हैं, जैसे कि ओजोन हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद में देखिए, एयर आल्सो हैज़ वाटर वेपर एंड डस्ट, यानी कि एयर में वाटर वेपर, यानी कि जो जल वाष्प होते हैं, एंड डस्ट, और जो धूलकण वगैरह होते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। अब देखिए, हाउ एयर हेल्प्स, कि एयर जो है वो हेल्प्स कैसे करती है। तो देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन एयर, सभी हवा को लेते हैं, सभी जो है हवा का इस्तेमाल करते हैं, वो हवा के बिना जीवित कोई भी नहीं रह सकता। तो देखिए, दे यूज़ द ऑक्सीजन इन इट टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है ना, यानी कि जो खाना है, खाने से वो एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है ना, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ऑक्सीजन का प्रयोग वो करते हैं। देन दे थ्रो आउट, बेटा यहाँ पर जो बात हो रही है वो प्लांट्स की नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ एनिमल्स की या फिर जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी बात हो रही है, जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फ्रॉम फूड से। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो हम देखिए इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो अभी देखिए वो क्या है, दे यूज़ द ऑक्सीजन इन इट टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, देन दे थ्रो आउट द रेस्ट ऑफ द एयर मिक्सड विद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर बॉडी। ठीक है ना, उसके बाद में जो गैस जो बच जाती है, जो एयर जो बच जाती है, ठीक है ना, वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वो हम जो है उसे थ्रो आउट कर देते हैं अपने शरीर से। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मेड इनसाइड द बॉडी व्हेन फूड चेंजेस टू एनर्जी, यानी कि जब फूड जो है वो एनर्जी में चेंज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है हमारे शरीर से, ठीक है ना, और उस जिसे हम थ्रो आउट कर देते हैं अपने फेफड़ों के द्वारा। तो इसके बारे में हमने पहले भी जो हमारा चैप्टर था इनसाइड योर बॉडी, उसमें हमने पढ़ चुके थे हम। ठीक है, तो अब देखिए हम दूसरा जो पॉइंट है वो है प्लांट्स का। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू मेक फूड। तो देखिए, प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते, वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, फ्रॉम एयर टू मेक फूड। ठीक है ना, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन इनसाइड ए प्लांट टू प्रोड्यूस फूड एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं, ठीक है ना, इनका कम्बिनेशन, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाने में और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। ठीक है, दिस ऑक्सीजन इज थ्रोन आउट बाई प्लांट्स। फिर उसके बाद में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो उनकी वेस्ट गैसेज होती है, तो उसे वो प्लांट्स जो हैं वो थ्रो आउट कर देते हैं, बाहर की तरफ फेंक देते हैं, जो कि हमारे लिए काम आती है। दिस इज हाउ द ऑक्सीजन इन एयर डज नॉट गेट ओवर द ऑल लिविंग बींग्स यूज इट। तो इसीलिए जो क्या है, जो ऑक्सीजन है हवा में, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कभी कम नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि जितने ज़्यादा आप पेड़ पौधे लगाओगे, उतनी ही ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी पेड़ पौधों से, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि दिस इज़ हाउ द ऑक्सीजन इन एयर डज नॉट गेट ओवर, ख़त्म नहीं होती, द ऑल लिविंग बींग यूज इट, जिसे लिविंग बींग्स जो हैं वो यूज़ करती हैं। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है, एयर हेल्प्स टू बर्न थिंग्स। यस सर, बिल्कुल, जो एयर है वो चीज़ों को जलाने में भी हमारी मदद करती है, बर्न करने में मदद करती है। नथिंग वुड बर्न विदाउट एयर, हवा के बिना कोई भी चीज़ जल नहीं सकती,
बर्न नहीं हो सकती. एक्चुअली इट इज़ द ऑक्सीजन इन एयर दैट हेल्प्स बर्न थिंग्स, यानी कि वो ऑक्सीजन ही होती है हवा के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन ही होती है. एक्चुअली इट इज़ द ऑक्सीजन इन एयर दैट हेल्प्स बर्न थिंग्स, यानी कि वो ऑक्सीजन ही होती है जो कि चीज़ों को जलाने में मदद करती है. विदाउट एयर वी वुड नॉट बी एबल टू बर्न कोल, पेट्रोल, केरोसिन एंड सो ऑन. ठीक है, तो हवा के बिना हम कोई भी चीज़ बर्न नहीं कर सकते, जला नहीं सकते, जैसे कि कोल हुआ, तारकोल हुआ, पेट्रोल हुआ, केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लकड़ी वगैरह, कुछ भी चीज़ है वो हम ऑक्सीजन के बिना नहीं जला सकते. तो उसका एक सिंपल सा एक यहाँ पर टेस्ट मैं आपको बताता हूँ. देखिए, स्टिक द स्टब ऑफ ए कैंडल ऑन ए डिश, यानी कि एक आप प्लेट पर एक वो रखिए, कोई कैंडल का स्टब रखिए, यानी कि छोटा सा टुकड़ा आप लीजिए. देखिए, इससे पहले कि आप कुछ करें, वो आपको एक अपने जो बड़े लोग हैं, जो आपके बड़े हैं आपसे, उनकी आपको हेल्प इसमें लेनी है, इस एक्टिविटी में अगर आप करना चाहते हैं तो. तो आपको करना क्या है, स्टिक द स्टब ऑफ ए कैंडल ऑन ए डिश. तो एक डिश में आप इस तरीके से आप एक स्टब ऑफ कैंडल ले लीजिए, यानी कि एक कैंडल का टुकड़ा ले लीजिए, लाइट द कैंडल, और उसके बाद में आप इस कैंडल को जलाइए. ठीक है, अब करना क्या है, कवर इट विद ए गिलास. अब इसे आप इस तरीके से गिलास से कवर कर दीजिए, तो देखिए आप क्या देखेंगे. तो ये आफ्टर ए वाइल, ठीक है ना, कुछ समय के बाद द कैंडल विल स्टॉप बर्निंग, जो कैंडल है वो जलनी बंद हो जाएगी, जलती हुई बंद हो जाएगी. द कैंडल स्टॉप्स बर्निंग व्हेन ऑल द ऑक्सीजन इन द ग्लास गेट ओवर, यानी कि वो कब बंद हो जाएगी, जब उसकी जो ऑक्सीजन है वो उसमें गिलास में जो है ख़त्म हो जाएगी, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो जब ख़त्म हो जाएगी तो जो कैंडल है आपकी वो ऑटोमेटिक ही बुझ जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये खुली हुई है, ठीक है ना, यहाँ पर ओपन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये बर्न हो रही है, जल रही है. लेकिन जब आप इसे किसी गिलास से कवर कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, तो कुछ देर के बाद में क्या है फिर ये और जो कैंडल है वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी. तो ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं. उसके बाद में देखिए, एयर हेल्प्स, जो चौथा पॉइंट है वो है हमारा, एयर हेल्प्स अस इन अदर वेज टू. ठीक है, हमारा जो एयर है वो दूसरे तरीके से भी हमारी, दूसरे और भी कई तरीके हैं जिनसे वो एयर जो है हमारी मदद करती है. वी फिल द टायर ऑफ साइकिल. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बस चल रही हैं, ठीक है ना, ये साइकिल चल रही हैं, कार चल रही हैं, इनमें जो ये टायर का जो इस्तेमाल हो रहा है, इन टायर के अंदर हवा भरी जाती है, और इस हवा की मदद से ही जो ये बस वगैरह होती हैं, ये इतने सारे वजन को, इतने बस के अंदर जो लोड होता है उसे बर्दाश्त कर सकती हैं और उसे कैरी कर सकती हैं. तो देखिए यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है इसमें, एयर हेल्प्स अस इन अदर वेज टू. वी फिल द टायर ऑफ साइकिल, कार्स, बसेस एंड ट्रक्स विद एयर. यस, एयर फिल्ड टायर्स कैन कैरी द वेट्स ऑफ ए बस लोड ऑफ पीपल. यानी कि जो एयर है वो हवा जो है उसमें भरने के बाद में, टायर्स में भरने के बाद में, वो जो लोगों का जो वजन होता है, बस का जो वजन होता है, उसे आसानी से कैरी कर सकती है, इजीली कैरी कर सकती है. उसके बाद में जो पांचवा पॉइंट है वो है मूविंग एयर. ठीक है, मूविंग एयर और वाइंड कैन एग्जर्ट ए लॉट ऑफ फोर्स. ठीक है ना, यानी कि हवा जो है वो मूव जब करती है, ठीक है ना, तो अपने साथ में बहुत सारा जो है बल वो लगाती है, फोर्स वो अपने साथ में खींचती है. ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, आप देख सकते हैं कि जब ये कोई तूफान वगैरह आता है तो उस टाइम क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, द रशिंग एयर. ठीक है, जो बहती हुई हवा है, तेज बहती हुई जो हवा है, एयर कैन अपरूट ट्रीज, वो पेड़ों को भी उखाड़ देती है. तो वी यूज़ दिस वाइंड पावर, तो हम इस वाइंड पावर का इस्तेमाल करते हैं टू डू मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के करने में, लाइक मूविंग सेल बोट्स. तो जैसे कि सेल बोट्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सेल बोट्स होती है एक बोट होती है बेटा, उस बोट के अंदर एक कपड़ा लगा होता है और उस हवा की मदद से जो कपड़ा है उस नाव को बहाकर ले जाता है, जिसे हम सेल बोट्स कहते हैं. इन द ओल्डन डेज, और पुराने समय में क्या होता था, पीपल यूज्ड द पावर ऑफ द वाइंड, ठीक है ना, हवा की पावर का इस्तेमाल किया जाता था टू टर्न द ब्लेड्स ऑफ वाइंड मिल्स, यानी कि जो पवन चक्की होती थी उनको घुमाने में हवा का इस्तेमाल किया जाता था, वाइंड ब्लेड्स को, ठीक है ना, वाइंड मिल्स में.
द टर्निंग ब्लेड्स हेल्प्ड टू ग्राइंड ग्रेन्स एंड पंप वाटर। तो जो ये टर्निंग ब्लेड्स थी, जो पवन चक्किया जो घूमती हुई जो पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है ना, ये किसमें मदद करती हैं, ये मदद करती हैं हमारी, जैसे कि हम कोई नाज वगैरह पीसते हैं उसमें भी, और जो वाटर पंप वगैरह हम करते हैं उनमें भी हमारी मदद करती है, यानी कि मशीनों को चलाने में। तो देखिए अब क्या है, नाउ वी यूज़ द टर्निंग ऑफ ब्लेड्स, ठीक है ना, अब जो हम इनका इस्तेमाल करते हैं इनको घुमाने में, द वाइंड है, नाउ वी यूज़ द टर्निंग ऑफ ब्लेड्स बाई द वाइंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम जो इनका इस्तेमाल करते हैं इन ब्लेड्स का टर्निंग करने में, ठीक है ना, बाय द वाइंड्स यानी कि हवा के द्वारा, वो किस में करते हैं, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाने में उनका इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद देखिए एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है ना, जो एयर है, जो हवा होती है वो जगह घेरती है, ठीक है, वो किस तरीके से घेरती है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप देखेंगे उससे आप समझेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर एक हालांकि देखो यू कैन नॉट सी एयर, दो यू कैन नॉट सी एयर इट ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है ना, कि हम ये नहीं देख सकते कि जो हवा है वो कैसी है, कहाँ कैसी दिखती है, ठीक है ना, लेकिन ये जगह घेरती है, और इस एक्टिविटी से हम इसे समझेंगे। तो डू दिस एक्टिविटी टू सी फॉर योरसेल्फ। तो इसमें करना क्या है, पुश ए बैलून इनटू एन एम्प्टी प्लास्टिक, ठीक है, एक कोई खाली प्लास्टिक की इस तरीके की बोतल आपको लेनी है, उसमें आपको एक बैलून आपको पुश करना है अंदर की तरफ, ठीक है ना, एंड टर्न द नेक ऑफ द बैलून एंड स्ट्रेच इट ओवर द माउथ ऑफ द बोतल। और उसके बाद में आपको करना क्या है, जो बैलून का जो ऊपर का जो पार्ट्स है, नेक ऑफ द बैलून है जो बैलून्स की, ठीक है, उसको आपको स्ट्रेच करना है ओवर द माउथ ऑफ द बोतल, ठीक है ना, यानी कि बोतल के ऊपर आपको वो जो बैलून्स का जो मुख्य जो पार्ट है जिससे आप हवा फिल करेंगे वो आपको इसके ऊपर कवर करना है इस तरीके से, जैसे कि इसमें ये बच्ची कर रही है। उसके बाद में आपको करना क्या है, ब्लो हार्ड इनटू द बैलून, और उसके बाद में आपको हवा भरनी है उस बैलून के अंदर, ठीक है ना, यू विल नॉट बी एबल टू ब्लो अप द बैलून, लेकिन आप देखेंगे कि आप उसमें हवा नहीं भर पा रहे हैं, बिकॉज द बोतल इज़ फुल ऑफ एयर, क्योंकि जो ये बोतल है ये पहले से ही हवा से भरी हुई है, इसलिए आप इस जो है बैलून है इसको आप फुला नहीं पाएंगे, हवा इसमें नहीं भर पाएंगे, ठीक है ना, देर इज़ नो स्पेस फॉर मोर एयर इन द बोतल, यानी कि इसमें और जगह बच नहीं रही क्योंकि इसमें हवा पहले से ही मौजूद है, ठीक है। नॉर्मली व्हेन यू ब्लो अप ए बैलून, ठीक है, अगर आप आम तौर पर किसी बैलून्स को ब्लो अप करते हैं, उसमें हवा भरते हैं, द एयर अराउंड इट मूव्स टू मेक स्पेस फॉर इट, ठीक है ना, तो जो हवा है वो इसमें आसानी से जगह बना लेती है और ये फूल जाता है। बट द एयर इन द बोतल कैन नॉट मूव, लेकिन इस बोतल के अंदर ये जो हवा है ये मूव नहीं हो रही है, यानी कि इसमें जगह नहीं बना पा रही है, बिकॉज द माउथ ऑफ द बोतल इज़ कवर्ड बाई द बैलून, और वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो बैलून का जो ये बोतल का जो ये माउथ है, बोतल का जो ऊपर का जो भाग है, ठीक है ना, ये बैलून्स के द्वारा कवर किया जा चुका है पहले से ही, तो इसमें जो है हवा कहीं से बाहर नहीं जा पा रही है, और इस वजह से ये जो बैलून्स है ये भी ब्लो अप नहीं हो रहा है। तो आप ऐसा एक्टिविटी अपनी करके देख सकते हैं। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एयर में और क्या क्या खासियत होती हैं, क्या क्या एयर में किस किस तरह की शिफ्ट है, वो हम आपको इसके अगले पार्ट्स में बताएंगे, और इसके साथ में हम अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।